हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों को मेरे इंस्टा के अपडेट से तो पता चल ही गया होगा कि 3 अक्टूबर को शिवांशी का हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और ये मैंने व्लॉग शूट किया है शिवांशी के बर्थडे के एक दिन पहले से, यानी 2 अक्टूबर से। मैं शिवांशी की बर्थडे पार्टी के लिए डेकोरेशन का और बहुत सारी चीज़ें मैं खरीदने के लिए मार्केट आई थी डैडी के साथ में। हम लोगों ने बहुत सारी शॉप्स देखी, बहुत ज़्यादा मार्केट घूम चुके थे, मगर जैसा मैं डेकोरेशन का सामान चाहती थी वैसा मुझे नहीं मिल पाया। बट फाइनली ये गोविंद नगर में मुझे एक शॉप मिली, 2 शॉप थी जहाँ से मैंने कुछ कुछ करके सामान लिया जितना मुझे समझ में आया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवांशी के बर्थडे के लिए हम लोग ये कैसा केक कट कर रहे हैं। दरअसल मेरा बहुत मन था कि मैं शिवांशी के लिए ना अपने हाथों से केक बेक करूं, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना मम्मी मेरे लिए या मेरे भाई के लिए केक बेक करती थी, और तब तो मतलब इतनी फैसिलिटी नहीं थी कि वो जो आजकल इतने फैंसी केक्स आते हैं ना वैसे हम मिल पाए, तो मम्मी हम लोगों के लिए केक बेक करती थी। तो आज मेरा भी ऐसे ही मन हुआ कि मैं भी शिवांशी के लिए केक बेक करती हूँ, और काफ़ी हद तक मैं कामयाब हुई और अच्छा केक बन गया। और बहुत ही हेल्दी केक है क्योंकि इसमें मैंने कोई भी शुगर नहीं यूज़ किया है। इसमें स्वीटनेस के लिए मैंने जैगरी डाली है, गुड़ जो हमारे घर में आसानी से मिल जाता है, और ये मैंने आटे और गुड़ से मिला करके ये केक को बनाया है। और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट सा केक भी बना है एंड खाने में भी बहुत टेस्टी था। मुझे लग रहा था, मैं टेस्ट को लेकर के ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं टेस्ट अच्छा ना हो, बट थैंकफुली टेस्ट अच्छा था। और इसी के साथ शुरुआत होती है अगले दिन की, जिस दिन शिवांशी का बर्थडे है, यानी कि 3 अक्टूबर। हैप्पी बर्थडे शिवांशी, हैप्पी बर्थडे। ये रही हमारी बर्थडे गर्ल शिवांशी, हैप्पी बर्थडे। शिवांशी तो ऐसा लग रहा था उठते उसको जैसे पता चल गया हो कि आज उसका बर्थडे है, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। कैसे बोलता है डॉगी? पिटाई कर रही हो तुम डॉगी की? क्यों? डॉगी ने बदमाशी किया? तो शिवांशी को मैंने बस नहला के रेडी ही किया था कि तभी उसके पापा का कॉल आ गया, और उसके पापा बहुत मिस कर रहे थे, कि सोच ही रहे थे कि काश कि वो शिवांशी के साथ में होते। और ये जो कॉल किया है गौरव ने, आप लोग तो देख के समझ ही गए होंगे कि गौरव अपने सेट पे हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। शिवांशी इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो अपने बर्थडे के दिन ना जल्दी उठ गई, जिसकी वजह से उसे इतनी जल्दी यौन आने लगा, और मैंने उसे नहला भी दिया और वो ब्रेकफास्ट भी कर चुकी है, तो अभी वो आराम से सो जाएगी। और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी थी शिवांशी के बर्थडे गिफ्ट्स की। सबसे पहला गिफ्ट आया उसके दादा दादी की तरफ से, ये चनिया चोली। और ये दूसरा सरप्राइज गिफ्ट आया है शिवांशी के ताऊजी और ताईजी की तरफ से, यानी भैया भाभी की तरफ से। वेल, मैं तो गिफ्ट देख चुकी थी, आप लोग अगर जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या है तो आपको आगे का व्लॉग देखना पड़ेगा। और ये है वो ब्यूटीफुल सा केक जो भैया भाभी ने शिवांशी के लिए भेजा, यानी कि शिवांशी के ताऊजी और ताईजी ने।
और अब ये केक मैं शिवांशी के सामने खोलने वाली हूँ। आखिर देखते हैं कि शिवांशी का क्या रिएक्शन होता है इस कलरफुल से केक को देख करके। जब मैंने शिवांशी के सामने ये केक रखा ना, तो उसको तो ऐसा लग रहा था बस मुझे छोड़ दो और मुझे केक खाना है, और मम्मी यहाँ पे उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर भी शिवांशी ने थोड़ा सा टेस्ट तो कर ही लिया था केक। और ये रहा दूसरा केक जो कि भेजा है गौरव ने, और ये कैसा केक है चलिए आपको दिखाते हैं। और ये वाला भी केक सच में बहुत ब्यूटीफुल है। दोनों ही केक इतने सुंदर हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं शिवांशी से वो केक कट करवाऊं। और यहाँ तो शिवांशी की बैटरी फुल चार्ज हो चुकी थी, और शिवांशी जब तक सो रही थी ना, तब तक मैंने डेकोरेशन का भी काम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मम्मी डैडी लोग स्नैक्स बनाने में और वो डिनर की तैयारी करने में बिजी थे। तो मैंने सोचा क्यों ना तब तक मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि शिवांशी एक बार जग जाएगी तो वो डेकोरेशन नहीं करने देगी। और कुछ इस तरह की डेकोरेशन मैंने की थी शिवांशी के बर्थडे पे। और ये रही हमारी प्रिंसेस, हमारी बर्थडे गर्ल। कुछ इस तरह से मैंने तैयार किया था शिवांशी को, और मैंने एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो बनाया था शिवांशी का। अगर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा। शिवांशी तो इतना ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि सब लोगों ने आने में बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। उसे लग रहा था कि पता नहीं कब मेरा बर्थडे केक कटेगा, वो इस तरह से सोफे पे ना लेटी हुई थी। और ये शिवांशी की दादी माँ ने, यानी कि शिवांशी की बड़ी मॉम ने शिवांशी के लिए बर्थडे सॉन्ग प्ले किया था सितार में। हैप्पी बर्थडे शिवांशी। तो ये तो था प्यारा सा क्यूट सा विश दादा दादी की तरफ से शिवांशी के लिए। और काफी लोग आ चुके थे, बस कुछ लोग और आने बाकी रह गए हैं। बस सबके आते ही हम लोग शिवांशी का केक कट करेंगे। ऐसा लग रहा है शिवांशी इस टाइम का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि फ्रिज में इतने ब्यूटीफुल से जो केक रखे, कब मुझे कट करने का मौका मिलेगा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है कि जब हम लोग शिवांशी के ये जो दो ब्यूटीफुल से केक रखे हुए हैं उनको कट करेंगे। तो आप लोग भी इंजॉय करिए, हम लोग भी इंजॉय करते हैं। दरअसल मैं ना शिवांशी को टीका करना भूल गई थी, और मम्मी को याद था तो चलो अच्छा हुआ कि उसकी नानी माँ ने उसको टीका कर दिया। शिवांशी को ना अचानक से ऐसा हुआ कि पता नहीं मेरे माथे पे किसी ने क्या लगा दिया है, तो उसने एकदम से जब हाथ मारा ना तो उसका टीका फैल गया। तो फिर थैंक गॉड कि मम्मी ने ठीक कर दिया उसे।
बट शिवांशी के बर्थडे पे ना मैं भैया भाभी पापा मम्मी बच्चों को और स्पेशली गौरव को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मैंने सोचा कि काश कि अगर सभी लोग होते ना, हम लोग सच में बहुत इंजॉय करते, बहुत मस्ती करते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं ना, कभी कभी उसके ऑपोजिट ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो शिवांशी के लिए चेयर रखी है ना, इसमें मुझे खुद ही बैठ करके शिवांशी को पकड़ के बैठना होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शिवांशी इतने आराम से बैठ जाएगी और सबके हाथ से ऐसे केक भी खा लेगी। तो मुझे ना ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि शिवांशी आराम से बैठी हुई है और अपनी बर्थडे पार्टी इंजॉय कर रही है, और सब लोगों ने उसके साथ में फ़ोटोशूट करवाया। उसने बिल्कुल भी नहीं परेशान किया, सबके साथ में उसने बहुत अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और अपना केक भी इंजॉय किया। मैं अभी से ही सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो रहा था व्लॉग, तो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी शिवांशी के बर्थडे में जो भी हमने धमाल मचाया, डांस किए, मस्ती की। आप हमारा नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।